पहले अधर्मी थे बाद में धार्मिक बने हैं, या गुलामी से आज़ादी की ओर चले गए हैं, या गुलामी के गटर से बाहर निकल करके आज़ादी में चले गए हैं, या ऐसा कह सकते बदबू से निकल करके खुशबू में चले गए हैं। तो ये है, अगर किसी में हिम्मत है अपनी माँ का दूध पिया है तो साबित करके दिखाएं शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, सत श्रीकाल, नमो बधाए, जीवन निवास साथी, असलाम साथियों, वाई सुमान अवता न्यूज चैनल पर सभी आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनके कोई आवाज़ नहीं उठा उसकी आवाज़ वाई सुमान अवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि शूद्र जो वर्ण है उसको 5000 साल से ये बताते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म का हिस्सा है, तो हम उसको ऐसा कह रहे हैं कि शूद्र वर्ण हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म का, बल्कि हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि गुलामी का गटर है जिसमें भारत के 85% लोग फंसे हुए हैं, और हीन भावना की बदबू आती है, घमंड की बदबू आती है, इसमें जो फंसा हुआ इंसान कभी तरक्की की तरफ जा नहीं सकता है। तो इसमें अगर कोई भी इंसान भारत का, क्या विश्व का, किसी भी जगह का, अगर शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा या हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करेगा, उसको हम 11 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर नहीं किया तो 5 लाख जुर्माने के ठोकेंगे। अगर हिम्मत है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, कोई इसको साबित करके दिखाएगा तो 11 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर हिम्मत है तो किसी भी प्लेटफार्म पर, विश्व के किसी प्लेटफार्म पर भी आकर ये डिबेट कर सकते हैं, हम तैयार हैं। और जब मर्जी आकर के कहीं भी किसी भी प्लेटफार्म पर आकर, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये गुलामी का गटर है। जितनी जल्दी हो सकता है ये जो भी धर्म को उसको छोड़ करके इसको वर्ण से बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है वो धर्म कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो धर्म अधर्मी हैं, पहले अधर्मी से अधर्म की ओर जा रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं गुलामी से निकल करके आज़ादी की ओर जा रहे हैं। शूद्र वर्ण को छोड़ करके अगर कोई गुलाम धर्म अपनाता है, इसका मतलब कन्वर्ट धर्म का परिवर्तन नहीं है, उसका मतलब होता है कि वह पहले अधर्मी थे बाद में धार्मिक बने हैं, या गुलामी से आज़ादी की ओर चले गए हैं, या गुलामी के गटर से बाहर निकल करके आज़ादी में चले गए हैं, या ऐसा कह सकते बदबू से निकल करके खुशबू में चले गए हैं। तो ये है, अगर किसी में हिम्मत है अपनी माँ का दूध पिया है तो साबित करके दिखाएं शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।